नमस्कार, मैं हूं अनिल श्रीवास्तव, क्रिएटिविटी एक्सपो। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको ले चलूंगा स्थान, राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है और कुंभलनेर के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान राज्य का दूसरे सबसे महत्वपूर्ण किला है। इसका निर्माण 15वीं सदी राणा कुंभा ने करवाया था। पर्यटक किले के ऊपर से आसपास के रमणीय दृश्यों को आनंद ले सकते हैं। शत्रुओं से रक्षा के लिए इस किले के चारों ओर दीवार का निर्माण किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस चीन की महान दीवार के बाद ये एक सबसे लंबी दीवार है। तो मैं ले चलता हूँ आपको कुंभलगढ़। आप ये देख रहे हैं, खूबसूरत शानदार किला कुंभलगढ़ का किला हुआ। राजस्थान के अन्य स्थल की तरह कुंभलगढ़ भी अपने शानदार महलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बादल महल भी शामिल है। यह इमारत बादलों के महल के नाम से भी जानी जाती है। मर्दाना महल और जनाना महल इस महल के आसपास जुड़े दो भाग। इस महल के शानदार कमरे पेस्टल रंगों से निर्मित प्रतिचूर्ण से चित्रों से सुचित्रित हैं। ये बहुत ही खूबसूरत किला है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलते हैं हम आपको कुंभलगढ़। उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़। जल्दी चलते हैं कुंभलगढ़ में। हम चलते हैं वेणु गोपाल एसोसिएट से मिलते हुए, जो कि जीरो एनर्जी पे काम कर रहे हैं और जहां पर एक ऐसा आर्किटेक्ट है जहां केवल हर तरह से रोशनी है, यहां तक कि वहां पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका आर्किटेक्ट एक निराला है। वहाँ पर हमको जो दीक्षा जी ने बताया वो आपको हम बताते हुए रास्ते। वेणु गोपाल एंड एसोसिएट उदयपुर में एक जानी मानी हस्ती आर्किटेक्ट में माहिर वेणु गोपाल एंड एसोसिएट। एनर्जी कंजम्पशन, डे लाइटिंग काफी ज्यादा है, मतलब जैसे आप ये कोई भी लाइट नहीं जला रहे हैं अभी इस समय, और अपन सब देखे हैं, इवन वीडियो भी मैं बना पा रहा हूँ इसमें। ये थोड़ा कंसेप्ट आपका मतलब खुद का है यहाँ पर। हाँ। इसको ये जो आपने पूरा कहीं भी आपको पंखे भी चलाने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से आर्किटेक्ट डिजाइनिंग जो सर ने किया है उसको उस पर आप जी जी ऊपर है ऊपर ऊपर और बाकी जैसे ये सामने है, ये भी आपका टोटल तीन फ्लोर में बनाया हुआ, उसके बावजूद भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लाइट की जरूरत पड़े। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको हाँ दो फ्लोर में भी तीन फ्लोर आएंगे, एक दो तीन फ्लोर आ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका। और इस तरह से अगर आप एनर्जी वास्तव में ही बचाते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजली जो है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डेली बिजली बनेगी जब ही आगे होगा, क्योंकि स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है इसकी। आप इसके लिए काम कर रहे हैं जी। क्या वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कुछ, ये कंसेप्ट आपने और कहीं भी बनाया इस तरह के कंसेप्ट? जी, काफी अभी रेजिडेंसीज चल रहे हैं हमारे, और एक दो ऑफिसेज हैं जी। हां, एमएल कोठारी एक क्लाइंट है, उनका ऑफिस है, उसमें भी काफी कटआउट्स और ऐसे कोर्टयार्ड्स हमने दिए हैं कि लाइटिंग काफी ज्यादा है उसमें। जनरली हमारा यही रहता है कि नेचुरल लाइट रहे, नेचुरल लाइट, हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़े, वो मोस्टली 90% प्रोजेक्ट्स में हम कोशिश करते हैं ये। चलिए, आप अच्छा कंसेप्ट लेके आए। आपका नाम बताएंगे प्लीज? दीक्षा। दीक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए कुंभलगढ़ की यात्रा पे, देखते हैं कुंभलगढ़ जिसके बारे में इतना सुना, कैसा है वो शानदार रास्ता। बहुत के रास्ते में
फाफड़े का अपना एक ही आनंद था और क्यों नहीं उसे लिया जाए। हमने फाफड़े खाए, बहुत ही स्वादिष्ट। बलगढ़ की अपनी एक कहानी है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो कुछ हमें बताना चाह रहे थे, गाइड का काम भी कर रहे थे और अपनी रोजी रोटी भी चला रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वहाँ का इतिहास अपने आप में कुछ कह रहा था, उसकी हर दीवार कुछ कह रही थी। यहाँ पर बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। काफ़ी उत्सुकता है कुंभलगढ़ के किले के बारे में जानने के लिए, तथा यहाँ बच्चे और वो कोई दूर दूर से आते हैं। ये छोटे छोटे से महल हैं, ये आप देख रहे हैं कुंभा महल। कुंभा महल बहुत ही शानदार बना हुआ है। छोटा सा मंदिर भी हमने देखा। हर जगह बहुत ही सुकून वाली जिंदगी जी रहे थे ये लोग। बताया जो थे जो पन्ना ने उदय सिंह को बचा के लाई थी, उनका पाल पर सांप हुआ था, उनकी शादी जमता बल से हुआ था और उनको पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पे हुआ। सामने आपको जो दिखे ना जैन टेम्पल, जैन टेम्पल सुप्रीम हवन टेम्पल नारायण मंदिर, ये दीवार 36 किलोमीटर की दीवार है, चाइना के फर्स्ट आती है। जहाँ पे आपको दीवारने के लिए दिख रहा है, ये दीवार दिन में बनाती और रात में ऑटोमेटिक गिर जाती है। दिन में बनाती और रात में ऑटोमेटिक गिर जाती है। राजा ने बोला ऐसा क्यों होता, तो मेरे बाबा ने बोला यहाँ पे किसी मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी तब ये दीवार बनेगी। तो मेहर बाबा ने बोला अपनी इच्छा से मैं बलि दूंगा, पर मेरे नाम का एक गेट बनाया जाएगा भैरवकुंड, और उसके आगे जो उनका सिर है बॉडी किलोमीटर बिना सिर के ऊपर गई थी। उसके बाद में लिंबू पोल, ये जो आपको दिख रहा है ना वर्स्ट टावर। यहाँ आकर हर कोई खुश रहता है और किले का आनंद लेता है। ये भी आए हैं यहाँ पर और किले का आनंद ले रही हैं। देखिए ये किस तरह से इस किले का आनंद ले रही हैं। खूबसूरत जगह है, खूबसूरत अंदाज है, और फिर ये कुंभलगढ़ का जाना माना किला। देखिए पल पल किस तरह से ये शाम बढ़ती जा रही है और हमारे कदम भी इस किले की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
आप अगर कुंभलगढ़ आए हैं और आपने लाइट एंड साउंड शो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो आप कुंभलगढ़ आए तो लाइट एंड साउंड शो जरूर देखें, जो कि 7 बजे के बाद होता है और बहुत ही निराले और बहुत ही अच्छे अंदाज से कुंभलगढ़ का इतिहास बताया जाता है। आप अगर आए हैं तो कुंभलगढ़ का लाइट एंड साउंड जरूर देखें। अब विदा लेते हैं उदयपुर से और कुंभलगढ़ से। मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अनिल शर्मा।